नमस्कार, मैं हुशवानी, बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। आज है 9 जून, दिन शुक्रवार। खबरों की ओर बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। बिहार में नगर निकाय चुनाव का तीसरा चरण आज। बिहार में बनेगी भूजल निकासी नियमावली। राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण 5 के आंकड़ों में बिहार का यह जिला अव्वल। राजस्व विभाग में 10,000 पदों पर होगी बहाली। बिहार में जल्द लागू होगी नई प्रदूषण नीति। अब चलिए बढ़ते हैं बिहार के अब तक की 25 बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। दिल्ली विश्वविद्यालय में बिना परीक्षा नौकरी पाने का मौका। दिल्ली विश्वविद्यालय के द्वारा स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग में असिस्टेंट प्रोफेसर के 79 पदों के लिए रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन जारी किया गया है। इसके लिए अगर शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो उम्मीदवार को किसी भी विश्वविद्यालय या संस्थान से संबंधित विषय में 55% अंकों के साथ मास्टर डिग्री होनी चाहिए। हालांकि उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे आवेदन करने से पहले नोटिफिकेशन लिंक जरूर देख लें। इच्छुक और योग्य उम्मीदवार आवेदन करने के लिए DU की आधिकारिक वेबसाइट COLREC.UOD.AC.IN और SOL.DU.AC.IN पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। बता दें कि आवेदन करने की अंतिम तारीख 15 जून 2023 तक निर्धारित की गई है। बिहार में नगर निकाय चुनाव का तीसरा चरण आज। राज्य निर्वाचन आयोग के द्वारा किए गए घोषणा के अनुसार आज यानी कि 9 जून को बिहार में नगर निकाय चुनाव का तीसरा चरण होने वाला है। बता दें कि आज होने वाले इस चुनाव में राज्य के कुल 31 शहरों में मतदान किया जाएगा। वहीं इसके मतदान का कार्य 11 जून को किया जाएगा। ऐसे में चुनाव को लेकर सभी संबंधित निकाय क्षेत्रों में आदर्श आचार संहिता लागू कर दिया गया है। साथ ही 20 जिलों के 31 नगर निकायों के लिए उपचुनाव कराया जाना है। आयोग के मुताबिक नगर निकाय आम चुनाव और उपचुनाव को लेकर 3 वार्ड पार्षद निर्विरोध निर्वाचित हो चुके हैं। वहीं राज्य में 4,698 कैंडिडेट चुनाव मैदान में हैं, जहां इस चुनाव को लेकर कुल 4,802 नामांकन पत्र दाखिल किए गए। वहीं इनमें से 101 नामांकन पत्र जांच के क्रम में अस्वीकृत कर दिए गए। बिहारी पहचान में आज हम बात करेंगे गोपाल सिंह नेपाली के बारे में। गोपाल सिंह नेपाली हिंदी और नेपाली के एक प्रसिद्ध कवि और एक पत्रकार भी थे। उन्होंने रतलाम टाइम्स, चित्रपट, सुधा तथा योगी नामक 4 पत्रिकाओं का संपादन भी किया। उन्होंने कई बम्बई हिंदी फिल्मों के लिए गाने भी लिखे थे। 1933 में गोपाल सिंह नेपाली का 62 कविताओं का पहला संग्रह उमंग प्रकाशित हुआ था। मुंबई में रहते हुए नेपाली जी ने तकरीबन 4 दर्जन फिल्मों के लिए गीत भी रचा था। उसी दौरान उन्होंने फिल्म्स और नेपाली पिक्चर्स की भी स्थापना की थी। निर्माता निर्देशक के तौर पर नेपाली जी ने 3 फीचर फिल्मों नजराना, सनसनी और खुशबू का निर्माण भी किया था। 1962 के चीनी आक्रमण के समय उन्होंने कई देशभक्तिपूर्ण गीत और कविताएं भी लिखी, जिनमें सावन, कल्पना, नीलिमा, नवीन कल्पना करो आदि काफी प्रसिद्ध है। बिहार में बनेगी भूजल निकासी नियमावली। बिहार राज्य में गलत तरीके से जमीन से पानी निकालते हैं, उन पर नकेल कसने के लिए बिहार सरकार के द्वारा एक कदम उठाया गया है, जिसके तहत सरकार ऐसे सभी प्लांट का सर्वे करेगी जो ऐसा काम करते हैं। मालूम हो कि इसको लेकर राज्य के सभी DM को दिशा निर्देश भेजा जा रहा है। इसके लिए जल्द स्टेट ग्राउंड कमेटी का गठन किया जाएगा, लेकिन उससे पहले वर्तमान में सभी जिलों में ऐसे प्लांट का सर्वे होगा कि इनको पानी निकालने के लिए कहाँ कहाँ से NOC मिला है। मालूम हो कि कंपनियों को यह NOC 5 वर्षों के लिए दी जाती है। नियम के अनुसार बॉटलिंग प्लांट स्थापित करने के लिए 1500 वर्ग फुट जमीन होनी चाहिए। इसके साथ ही पानी का प्लांट लगाने के लिए 200 फुट तक की बोरिंग जरूरी है। 9वीं-10वीं के छात्रों को राज्य सरकार देगी छात्रवृत्ति। राज्य सरकार की ओर से केंद्र सरकार की लेट लतीफी से परेशान होकर प्रदेश के राजकीय और राजकीयकृत माध्यमिक विद्यालयों के 9वीं-10वीं के पिछड़ा अति पिछड़ा वर्ग के 12 लाख से अधिक छात्र छात्राओं को छात्रवृत्ति राशि देने के लिए योजना को अंतिम रूप दे दिया गया है। बता दें कि शिक्षा विभाग की ओर से इसके लिए तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। वहीं इस मद में 287 रुपये स्वीकृत भी कर दिए गए हैं। मालूम हो कि यह पहली बार है जब राज्य सरकार की ओर से इस मद में 100% राशि खर्च की जाएगी। बता दें कि इस योजना के तहत 150 रुपये महीना के हिसाब से हर एक विद्यार्थी के खाते में एक मुश्त 1800 रुपये छात्रवृत्ति के रूप में दी जाती है। वहीं इस वर्ष विद्यार्थियों को 2 बार शैक्षणिक सत्र 2022-23 और 2023-24 के लिए भुगतान किया जाएगा।
बिहार के इन जिलों में बाढ़ से बचाव के लिए होगा अस्थायी और अस्थायी आश्रम स्थल का निर्माण। बिहार के कई जिलों के लिए बाढ़ एक बड़ी समस्या है, लेकिन इससे बचाव के लिए बिहार सरकार की ओर से तैयारियां करनी शुरू कर दी गई है। बता दें कि बिहार सरकार की ओर से मुख्यमंत्री राहत कोष से राज्य के 10 जिलों में 100 अस्थायी बाढ़ आश्रय का निर्माण करवाया जा रहा है, जिसमें से 56 बाढ़ आश्रय स्थल का निर्माण कार्य पूरा हो चुका है। वहीं बाकी बचे स्थानों पर निर्माण कार्य जारी है। इसके अलावा राज्य के 18 जिलों में लगभग 150 से अधिक अस्थायी आश्रय स्थल का निर्माण किया जा रहा है, जहां कम्युनिटी किचन चलाया जाएगा। बता दें कि उन सभी आश्रय स्थल के निर्माण को लेकर ऊंची जगहों को चिन्हित कर लिया गया है, लेकिन इन सभी चीज़ों के साथ कोरोना की हर गाइडलाइन का भी पालन करने का निर्देश दिया गया है, ताकि राहत बचाव के दौरान लोग बीमारियों से अपना बचाव कर सकें। राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण 5 के आंकड़ों में बिहार का यह जिला अव्वल। राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण 5 के आंकड़ों के अनुसार राज्य के सभी जिलों में संस्थागत प्रसव दर में वृद्धि हुई है। बता दें कि जारी किए गए इस आंकड़े में बिहार का जो जिला संस्थागत प्रसव दर में सबसे अव्वल यानी कि टॉप पर रहा है, वह मुंगेर है। मालूम हो कि मुंगेर ने इस क्षेत्र में 9.7% की वृद्धि की है, जिसके बाद अब मुंगेर का संस्थागत प्रसव में 93.2% की वृद्धि हो गई है, जो कि राज्य में सबसे अधिक है। वहीं दूसरे स्थान पर 89.5% के साथ बक्सर जिला है और तीसरे पायदान पर 89.2% के साथ शेखपुरा जिला है। इसके अलावा अगर हम राज्य स्तर की बात करें तो राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण 4 में राज्य में संस्थागत प्रसव दर 63.8% थी, जो राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण 5 में बढ़कर 76.2% हो गई है। बिहार झारखंड यूपी के लिए अगस्त तक शुरू होगी एसी व नॉन एसी बसें। बिहार से झारखंड और यूपी जाने वाले लोगों के लिए अच्छी खबर है। अब ऐसे लोगों को बिहार से झारखंड और यूपी जाने के लिए लोगों को केवल ट्रेन पर निर्भर नहीं रहना होगा, क्योंकि ऐसी उम्मीद की जा रही है कि परिवहन विभाग की ओर से राज्य के विभिन्न जिलों से बिहार के 25 जिले, झारखंड के 10 और यूपी के 5 जिले के लिए सीधे बसों का परिचालन किया जाएगा, जिनमें करीब 150 एसी और 250 नॉन एसी बसें शामिल होंगी। मालूम हो कि इन सभी बसों का परिचालन परिवहन विभाग की ओर से पीपीडी मोड में किया जाएगा और इसके लिए बस संचालकों से आवेदन भी मांगा गया है, जिसे अगस्त तक परमिट जारी करके परिचालन की शुरुआत कर दी जाएगी। भागलपुर के जर्दालू आम का स्वाद चखेगी दुनिया। कुछ दिनों पहले बिहार के मुजफ्फरपुर के शाही लीची को विदेश भेजा गया था, वहीं अब बिहार के भागलपुर के जर्दालू आम का स्वाद भी पूरा दुनिया चखने वाला है। बता दें कि मीडिया में चल रही खबरों के अनुसार भागलपुर किसानों के द्वारा एपीडा के माध्यम से जर्दालू आम की पहली खेप को विदेश के लिए रवाना कर दिया गया है। मालूम हो कि बिहार के इस आम को दुबई में बने दुनिया के सबसे बड़े मॉल में बेचा जाएगा। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें कि यह पहली बार है जो भागलपुर से दुबई के लिए आम को भेजा गया है। बता दें कि जर्दालू आम की पहली खेप को विदेश के लिए बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर के कुलपति डॉक्टर DR सिंह के द्वारा हरी झंडी दिखाकर रवाना की गई थी। BCI का इंग्लैंड के साथ हुआ करार। BCI के द्वारा पहली बार काउंसिल ऑफ इंडिया और इंग्लैंड के विल्स व लॉ सोसाइटी के बीच मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग पर हस्ताक्षर किए गए हैं। बता दें कि BCI के द्वारा यह हस्ताक्षर बार काउंसिल ऑफ इंडिया के अध्यक्ष मनन कुमार मिश्र के नेतृत्व में किया गया है। मालूम है कि इस हस्ताक्षर के बड़ा अब BCI को युवा अधिवक्ताओं को प्रशिक्षण व सीखने के लिए इंग्लैंड के लॉ सोसाइटी तथा इंग्लैंड के बार काउंसिल के समक्ष जाने की अनुशंसा करने का अधिकार मिल गया है। इससे युवा अधिवक्तागण अंतर्राष्ट्रीय लॉ फर्म, अच्छे लॉ ऑफिसर तथा इंग्लिश लॉ कोर्ट में जा सकेंगे। इस सहमति ज्ञापन में विशेष बात यह है कि BCI के द्वारा वैसे प्रतिभाशाली और सक्षम अधिवक्ताओं को इसके जरिए मौका देगी जो आर्थिक रूप से कमजोर होने की वजह से यहाँ तक नहीं पहुँच सकते हैं। बिहार के पर्यटन में आज हम बात करेंगे इंदिरा गांधी प्लेनेटेरियम के बारे में। इंदिरा गांधी प्लेनेटेरियम पटना शहर का एक मुख्य पर्यटन स्थल है। यह प्लेनेटेरियम पटना जिले में इंदिरा गांधी साइंस परिसर में स्थित है। इस प्लेनेटेरियम को तारामंडल के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ पर आपको गुंबद आकार इमारत देखने के लिए मिलती है, जो बहुत सुंदर लगती है। यह प्लेनेटेरियम एशिया का सबसे बड़ा और एशिया का सबसे पुराना प्लेनेटेरियम है। इस इमारत का निर्माण 1989 में किया गया था। यहाँ पर आपको ग्रह, नक्षत्र, आकाशगंगा, अंतरिक्ष के बारे में जानकारी मिलती है। यहाँ पर बहुत सारे शो देखने के लिए मिलते हैं, जहाँ पर आपको खगोल विज्ञान से संबंधित बहुत सारी जानकारियां मिल जाती हैं। हर्ष फायरिंग कानून में हुआ संशोधन।
एसएसपी राजीव मिश्रा के द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार हर्ष फायरिंग कानून में संशोधन कर दिया गया है। बता दें कि इस संशोधन के अंतर्गत अब अगर किसी व्यक्ति के द्वारा शादी विवाह जैसे मौके पर हर्ष फायरिंग की जाती है तो उस व्यक्ति के साथ साथ अब उस व्यक्ति पर भी कार्रवाई की जाएगी जिसके नाम पर हथियार का लाइसेंस होगा, जिसके तहत उस व्यक्ति की गिरफ्तारी की जाएगी और स्वतः ही उनका लाइसेंस भी रद्द कर दिया जाएगा। इसके अलावा उन्हें 2 साल की जेल की सजा और 1,00,000 रुपए का जुर्माना भी देना होगा। वहीं अगर हर्ष फायरिंग के दौरान किसी की हत्या हो जाती है तो उस व्यक्ति पर हत्या का भी केस दर्ज किया जाएगा, या अगर कोई व्यक्ति उस दौरान घायल हो जाता है तो फिर आर्म्स एक्ट और गैर इरादतन हत्या का केस दर्ज किया जाएगा। राज्य के गांवों में बने अमृत सरोवर में नहीं गिरेंगे गंदे पानी। केंद्र सरकार की ओर से एक निर्देश जारी किया गया है जिसके तहत गांवों में बनाए जा रहे अमृत सरोवर को स्वच्छ रखने की बात कही गई है। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें कि वर्तमान में सूबे में कुल 2,625 अमृत सरोवर बनाए जा रहे हैं जो वर्ष 2023 के 15 जून तक बनकर तैयार हो जाएंगे। मालूम हो कि अमृत सरोवर को गंदा न किया जा सके इसके लिए भारत सरकार की ओर से उत्तर प्रदेश के मनरेगा उपायुक्त विजय कुमार चौधरी के नेतृत्व में टीम राज्य के दौरे पर आई है। इसके सत्ता ही केंद्र की ओर से मनरेगा के अधिकारियों को भी अमृत सरोवर को स्वच्छ रखने के लिए स्पष्ट निर्देश दिया गया है जिसके तहत उन्हें गांव में कमेटी बनाने को कहा गया है। वहीं इन सब के अलावा 15 अगस्त को सभी अमृत सरोवर पर झंडा फहराने का भी आयोजन किया जाएगा। राजस्व विभाग में 10,000 पदों पर होगी बहाली। अगर आप भी सरकारी नौकरी की तलाश में हैं तो आपके लिए अच्छी खबर है क्योंकि बहुत जल्द ही राजस्व विभाग में 10,000 से अधिक पदों पर नियुक्ति होने वाली है। दरअसल इस बात की जानकारी राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के मंत्री आलोक मेहता के द्वारा दी गई है। उन्होंने कहा कि राज्य में सर्वेक्षण एवं बंदोबस्त का कार्य सही समय पर पूरा हो सके और अंचलों में विशेष सर्वेक्षण एवं बंदोबस्त का कार्य के लिए 10,121 पदों पर नियुक्तियां की जाएंगी जो कि कुछ महीनों में पूरी हो जाएगी। ऐसे में बिहार के उन युवाओं के पास सुनहरा मौका है जो सरकारी नौकरी करना चाहते हैं। हीट वेव की चपेट में बिहार के कई जिले। बिहार के अधिकतर जिलों में 13 से 17 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से गर्म हवा चल रही है। ज्यादातर जिलों में लू की स्थिति है। अगले कुछ दिनों तक मौसम का यही रुख रहने वाला है। IMD के पूर्वानुमान के मुताबिक 9 जून को बिहार के 13 जिलों में और 10 जून को भी कई जिलों में भीषण हीट वेव की स्थिति बनी रहेगी। ऐसे में आने वाले 3-4 दिनों में बिहार को फिलहाल गर्मी से कोई राहत मिलने की उम्मीद नहीं दिख रही है। मौसम विभाग के पूर्वानुमान के मुताबिक 10 और 11 जून को कुछ जिलों में हल्की बारिश या बूंदाबांदी होने की उम्मीद है। मौसम विभाग की सूचना के अनुसार बिहार में मॉनसून संभवतः 17 से 19 जून के बीच पूर्णिया के रास्ते प्रवेश करने की संभावना है। बिहार में ऑनलाइन ऐसे मंगाए जमीन का नक्शा। अगर आप भी बिहार वासी हैं और घर बैठे अपने जमीन का नक्शा पाना चाहते हैं तो यह खबर आपके लिए है। बता दें कि बिहार सरकार के द्वारा जमीन नक्शा को ऑनलाइन पोर्टल पर उपलब्ध करवा दिया गया है। ऐसे में आप आवेदन कर अपना जमीन नक्शा घर बैठे पा सकते हैं। हालांकि इसके लिए आपको कुछ स्टेप्स फॉलो करने होंगे जिसके तहत सबसे पहले आपको निदेशालय की वेबसाइट dlrs.bihar.gov.in पर जाना होगा। वहां आपको डोर स्टेप डिलीवरी आइकॉन पर क्लिक करना होगा। इसके बाद मांगी गई जानकारी को भर दें और फिर ऑनलाइन के द्वारा शुल्क जमा कर दें तो आपका ऑर्डर पूरा हो जाएगा। बता दें कि ऑर्डर करने के 1 सप्ताह के बाद आपको उस पते पर नक्शा पहुँचा दिया जाएगा जो पता आपने दिया होगा। सरकारी स्वास्थ्य संस्थानों में स्वास्थ्य विभाग का प्रयास ला रहा रंग। बिहार के सरकारी स्वास्थ्य संस्थानों में स्वास्थ्य विभाग के द्वारा मरीजों को लाने का प्रयास रंग ला रहा है। बता दें कि संस्थानों में रिकॉर्ड संख्या में मरीज अपना इलाज के लिए पहुंच रहे हैं। दरअसल स्वास्थ्य विभाग की एक रिपोर्ट के अनुसार यह जानकारी निकलकर सामने आई है कि वर्ष 2022-23 में सरकारी स्वास्थ्य संस्थानों में इलाज करवाने वाले मरीजों की संख्या लगभग 8.25 करोड़ थी। मालूम हो कि 12 साल पहले सरकारी स्वास्थ्य संस्थानों में हर रोज 1 लाख मरीज ही इलाज कराने आते थे जो बढ़कर 2 लाख से अधिक पहुंच गई है। आपको बता दें कि 31 मार्च को खत्म हुए वित्तीय वर्ष 2022-23 में सरकारी स्वास्थ्य संस्थानों में इलाज करवाने के लिए आने वाले लोगों की कुल संख्या 8,23,62,778 पर पहुंच गई है। बिहार में जल्द लागू होगी नई प्रदूषण नीति। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के ड्रीम प्रोजेक्ट जल जीवन हरियाली अभियान को सफल होने में मदद मिल सके और बिहार में अगले करीब 40 साल में कार्बन उत्सर्जन को शून्य किए जा सके इसके लिए राज्य में अगले 4-5 महीने में नई नीति लागू की जा सकती है। इसका खास मकसद पर्यावरण को बेहतर करना है।
बता दें कि मीडिया में चल रही खबरों के अनुसार इसके लिए यूनाइटेड नेशंस एनवायरमेंट प्रोग्राम सहित उसकी सहयोगी संस्थाओं के द्वारा एक स्टडी की जा रही है, जिसकी रिपोर्ट अगले कुछ महीने में आने की संभावना जताई गई है। वहीं रिपोर्ट के आधार पर ही नई नीति का मसौदा तैयार किया जाएगा और फिर राज्य मंत्रिपरिषद की मंजूरी के लिए इस मसौदे को उनके पास भेजा जाएगा और फिर इसे लागू किया जाएगा। मालूम हो कि इस नीति में अगले 30 से 40 सालों तक किए जाने वाले कामों को तय किया जाएगा। संजय जायसवाल को मिली बड़ी जिम्मेदारी। 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव से पहले बीजेपी नेता सह सांसद संजय जायसवाल को एक बड़ी जिम्मेदारी सौंप दी गई है। दरअसल उन्हें लोकसभा की बजट समिति का चेयरमैन बना दिया गया है। मालूम हो कि संजय जायसवाल को लोकसभा की बजट समिति के अध्यक्ष के रूप में 1 मई 2023 से नामित किया गया है, जिसकी जानकारी लोकसभा अध्यक्ष की ओर से जारी पत्र में है। वहीं इस जिम्मेदारी को पाने के बाद संजय जायसवाल के द्वारा सोशल मीडिया के जरिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को धन्यवाद दिया गया है। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें कि कुछ समय पहले संजय जायसवाल को बिहार बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष के पद से हटाकर उनके स्थान पर सम्राट चौधरी को यह पद दे दिया गया था। तब से ही यह कयास लगाए जा रहे थे कि संजय जायसवाल को पार्टी की कोई दूसरी बड़ी जिम्मेदारी सौंपी जाएगी। महिला पहलवानों के समर्थन में जेएपी का महाधरना। बीते दिन गुरुवार को बिहार की राजधानी पटना में जन अधिकार पार्टी के सुप्रीमो पप्पू यादव समेत नेताओं और कार्यकर्ताओं के द्वारा बड़ी संख्या में महिला पहलवानों के समर्थन में धरना प्रदर्शन किया गया। इस दौरान पप्पू यादव के द्वारा केंद्र सरकार पर जमकर हमला भी बोला गया। उन्होंने कहा कि जंतर मंतर पर जब गोल्ड मेडलिस्ट बेटियों के द्वारा धरना दिया जाता है तो प्रधानमंत्री के द्वारा कोई ट्वीट नहीं किया जाता है और ना ही योगी के द्वारा कोई ट्वीट किया जाता है। इसके अलावा किसी बीजेपी नेता का भी बयान सामने नहीं आता है। कई पार्टियों के द्वारा जंतर मंतर पर जाकर तो स्पीच दे दिया गया, लेकिन किसी भी पार्टी के द्वारा अपने राज्य में इसका विरोध नहीं किया गया। उन्होंने कहा कि महिला पहलवानों के पक्ष में आवाज बुलंद करना बहुत जरूरी है। इस मामले पर पार्टियों का मौन होना यह दर्शाता है कि नेताओं की मानसिकता सिर्फ बटोरने की है। तमाम नेता जो भ्रष्टाचारी हैं वो बीजेपी से हैं। आज बीजेपी का कोई नेता देश की बेटियों के साथ खड़ा नहीं है। पीएम मोदी के बिहार आगमन पर तेजस्वी यादव ने की बड़ी मांग। पिछले कुछ दिनों से ऐसी खबर चल रही है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जनसंपर्क अभियान के तहत बिहार दौरे पर आ सकते हैं। हालांकि उनके आगमन पर बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव के द्वारा मीडिया के सवालों का जवाब देते हुए एक बड़ी मांग कर ली गई है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री आ रहे हैं तो यह अच्छी बात है, कोई भी आ जा सकता है, लेकिन अगर पीएम मोदी आ रहे हैं तो कुछ बिहार के लिए ध्यान दें, बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दें, विशेष पैकेज देने की घोषणा करें। उन्होंने कहा कि असल बात तो यह है कि ये लोग डरे हुए हैं, कितनी बार अमित शाह भी यहाँ आए हैं। इसके साथ ही उन्होंने भागलपुर में पुल गिरने पर कहा कि यह पुल पहले भी गिरा था, उस समय बीजेपी की सरकार थी, बीजेपी के ही पथ निर्माण मंत्री थे, तो उस दौरान सीबीआई से जाँच क्यों नहीं कराई गई थी। उन्होंने कहा कि हम रिपोर्ट के आधार पर ही काम करवा रहे हैं। WTC फाइनल में रोहित शर्मा के फैसलों पर सौरव गांगुली का बयान। बुधवार को लंदन में शुरू हुए विश्व टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में भारतीय टीम के द्वारा टॉस जीतते हुए पहले गेंदबाजी करने का फैसला लिया गया, लेकिन इस मैच में भारतीय टीम ऑस्ट्रेलियाई टीम के सामने बेबस नजर आ रही है। वहीं इस मैच में रोहित शर्मा के द्वारा लिए गए फैसले पर पूर्व BCCI अध्यक्ष सौरव गांगुली के द्वारा कहा गया कि भारतीय टीम थोड़ी निराश होगी। उन्होंने 76 पे 3 विकेट के स्कोर के बाद ऑस्ट्रेलिया को बढ़ने दिया। मुझे पता है कि क्रिकेट में साझेदारी होती है, बल्लेबाजी टीम होगी जो वापसी करके अच्छा खेलेगी। मेरे ख्याल से भारत ने अच्छी शुरुआत की और लंच के बाद अपनी लय खो बैठी। मेरे ख्याल से भारत ने ट्रेविस हेड को आसानी से रन बनाने का मौका दिया। मुझे पता है कि हेड अच्छे फॉर्म में है, उन्होंने काफ़ी रन बनाए हैं, लेकिन तब भी ऑस्ट्रेलियाई टीम 3 विकेट गंवाकर बैकफुट पर थी। मेरे ख्याल से रोहित शर्मा ने फील्डिंग सही नहीं लगाई, इसके कारण ऑस्ट्रेलिया अच्छी स्थिति में पहुँच गया। भारत के इतिहास में आज की तारीख है बेहद खास। दादर के बलूची प्रमुख जीवन खान ने 1659 में धोखे से मुगल शहजादे दारा शिकोह को औरंगजेब के हवाले कर दिया। फ्रांसीसी सेना ने 1752 में भारत के त्रिचिनोपोली क्षेत्र में ब्रिटिश सेना के समक्ष आत्मसमर्पण किया। लाल बहादुर शास्त्री 1964 में भारत के दूसरे प्रधानमंत्री बने। फिल्म अभिनेता शाहरुख खान ने 2008 में 9वें इंटरनेशनल इंडियन फिल्म एकेडमी पुरस्कार समारोह में फिल्म चक दे इंडिया के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार जीता।
भारतीय सिनेमा जगत के प्रसिद्ध संगीतकार वसंत देसाई का जन्म 1912 में हुआ। उड़ीसा की महिला मुख्यमंत्री तथा लेखिका नंदिनी सतपति का जन्म 1931 में हुआ। भारत की प्रथम महिला आईपीएस किरण बेदी का जन्म 1949 में हुआ। सुप्रसिद्ध भारतीय कवि, संस्मरणकार, कहानीकार, उपन्यासकार तथा सहृदय समीक्षक अजीत शंकर चौधरी का जन्म 1933 में हुआ। आदिवासी नेता और लोकनायक बिरसा मुंडा का निधन 1900 में हुआ, इसलिए आज के दिन अमर शहीद बिरसा मुंडा की पुण्यतिथि के रूप में भी मनाया जाता है। वायरल खबर में आज हम बात करेंगे बीएससी के बारे में। सोशल मीडिया पर कई सूचनाएं वायरल होती हैं, लेकिन सभी सच हो ये जरूरी नहीं है। इसी कड़ी में आज हम बात करेंगे बीएससी के बारे में। दरअसल पीआईबी ने अपने एक ट्वीट में लिखा है कि एक दावा किया जा रहा है कि अधिसूचना bac.com के लिए समान स्थिति का प्रस्ताव करती है। नर्सिंग उम्मीदवारों उन्हें MBBS और जूनियर डॉक्टरों के समकक्ष नर्सिंग अधिकारी मानते हैं। पीआईबी ने अपने ट्वीट में आगे लिखा है कि यह नोटिफिकेशन फर्जी है, इंडियन नर्सिंग काउंसिल ने यह नोटिफिकेशन जारी नहीं किया है। फेसबुक अकाउंट को वेरीफाइड कराने की सुविधा भारत में भी शुरू। फेसबुक की मूल कंपनी मेटा ने भारत में वेरीफाइड अकाउंट सर्विस की शुरुआत कर दी है। हाँ, इसके लिए आपको हर महीने 699 रुपये का सब्सक्रिप्शन लेना होगा। फिलहाल यह सुविधा सिर्फ मोबाइल ऐप के लिए है। कंपनी का कहना है कि जल्द वेब वर्जन भी इस सुविधा से लैस होगा। खबर के मुताबिक वेब वर्जन जब शुरू होगा तब यूजर्स को 599 रुपये मंथली सब्सक्रिप्शन ऑफर किया जाएगा। मेटा ने कहा है कि भारत में यूजर्स इस सुविधा के लिए फिलहाल iOS और एंड्रॉयड पर 699 रुपये मंथली सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। कंपनी का कहना है कि वेरीफाइड अकाउंट को सुरक्षा और सपोर्ट मिलेगा। हालांकि फेसबुक के वेरीफाइड अकाउंट के लिए मिनिमम एक्टिविटी जरूरतों को पूरा करना होगा, जिसमें यूजर्स की उम्र कम से कम 18 साल होनी चाहिए। बीते दिन हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का आप लोगों में से बहुत लोगों ने अपना जवाब हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर दिया था। जिन्होंने हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब दिया है उनके नाम है रंजीत मिश्रा, प्रमोद राम, पंकज कुमार, रवि कुमार राम, मुटु रंगीला, नुन्नू कुमार, राजीव कुमार, के सिन्हा, अतीक खान, रविशंकर, कुश कुमार यादव, तवरीज आलम, मोहम्मद शकीर हुसैन, रामजीत कुमार, नौशाद अंसारी। इसके साथ ही बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है कि आपके अनुसार राज्य में भूजल के स्तर को बढ़ाया जा सके इसके लिए सरकार की ओर से क्या कदम उठाए जाने चाहिए। अपना जवाब हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।